आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। एमपी में चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 3 साल से एक ही जगह पर डटे आबकारी अधिकारियों के होंगे तबादले। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी कांग्रेस की चुनाव समिति गठित। जीतू पटवारी बने अध्यक्ष, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बनाया सदस्य। मुरैना के अधिकारियों की चरण वंदना। एसडीएम और तहसीलदार ने छुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैर, कांग्रेस ने कसा तंज। इंदौर के बावरी हादसे में 36 लोगों की मौत के लिए मंदिर ट्रस्ट और निगम के अधिकारी जिम्मेदार। हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश। शहडोल में रेत माफिया के हौसले बुलंद, पुलिस टीम पर किया हमला, 8 लोगों पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। एमपी में मवेशियों की चोरी में सबसे आगे है ग्वालियर, यहां मवेशियों को अगवा कर वसूली जाती है फिरौती। एमपी में अगले 3 दिनों तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, बारिश और कोहरे को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट। शिवपुरी की गायिका स्वस्ति मेहुल के मुरीद हुए पीएम मोदी, स्वस्ति के राम आएंगे, गाए हुए भजन को पीएम ने एक्स पर किया शेयर। नरसिंहपुर जिले में चल रही भागवत कथा बनी चर्चा का विषय, कथा का आयोजन करता है एक मुस्लिम परिवार, सनातन धर्म में है आस्था। महाकाल के दरबार में पहुंची अनुपमा सीरियल की रूपाली गांगुली, भस्म आरती में हुई शामिल, दर्शन कर बाबा का लिया आशीर्वाद। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.atvbharat.com पर।